जरा सोचिए, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों पर झूठ की पट्टी बांधती हैं और कुछ झूठ की पट्टी हटाती हैं। मैं विक्रम बजाज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए खबरों के पीछे का रिसर्च और सच। तो आइए फिर से एक बार खबरों से जुड़ी इस झूठ की पट्टी को हटा दें। जैसा कि हम देखते आए हैं कि पिछले 2 सालों में नई सरकार को लगातार नई नई साजिशों से उलझाए रखने की कोशिश की गई। एक ऐसा पिक्चर बनाया गया कि जैसे भारत से खराब देश इस दुनिया में है ही नहीं। जरा सोचिए, जब कुछ लोग भारत को असहिष्णु दिखाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, तब सरकार जनधन योजना से करोड़ों लोगों के लिए बैंक खाता खुलवाने के लिए दिन रात एक कर रही थी। और वो पहली बार बैंक का खाता खुलने की खुशी, बिचौलियों से आजादी की खुशी, वो क्या जाने जो खुद करोड़ों का भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। जब अफजल जिंदाबाद और कश्मीर की आजादी के नारे लगाने वाले लोग देश की बदनामी में जुटे थे, तब सरकार उन 18,000 गांवों को अंधेरे से आजादी दिला रही थी, जहां पिछले 60 सालों में आज तक एक भी बिजली का खंबा नहीं था। घर में पहली बार बिजली आने की खुशी वो क्या जाने जिन्होंने देश को सिर्फ पावर कट्स और ब्लैकआउट्स ही दिए हैं। जब भारत माता की जय बोलना जरूरी है कि नहीं, इस बात को फिजूल मुद्दा बनाया जा रहा था, तब केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा बैंक के जरिए करोड़ों युवाओं को, दलितों को, महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करोड़ों के लोन दे रही थी। युवाओं की ये खुशी वो क्या जाने जिन्होंने युवाओं के इस हुनर को सिर्फ पत्थर तोड़ने के काबिल ही समझा। जब उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मुद्दों पर अनावश्यक आंदोलन चल रहा था, तब सरकार स्किल के लिए, रोजगार के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, फसलों के बीमों के लिए, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, क्लीन गंगा और मेक इन इंडिया के लिए आंदोलन कर रही थी। और इधर कुछ लोग हमें कुछ ना दिखे इसलिए हमारी आंखों पर झूठ की पट्टी बांधने में जुटे हैं। और लोगों ने भी ऐसे विनाशकारी मंसूबों को सही पहचाना है और परास्त किया है। तो आगे भी अगर ऐसा कोई मुद्दा उछल कर आए तो जरा सोचिए कि उससे किसका भला होगा। और ये भी सोचिए कि पिछले 2 सालों में जो अवार्ड्स वापस दिए गए, अफजल के नाम पर जो नारेबाजी की गई, असहिष्णुता और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बार बार संसद रोकी गई, उन सबसे कुल मिलाकर फाइनली भला किसका हुआ, ये जरा सोचिए।